वेलकम टू स्पीड डाइनिंग डॉट इन। दोस्तों, हमने पहले आपको कैसे हो बिंदास जिंदगी का एक लेक्चर पहले भी पोस्ट किया है, पब्लिश किया है, आप लोगों ने देखा और आपको काफ़ी पसंद आया है। उसका अपना एक पर्पस है, क्योंकि कभी भी इंसान की जिंदगी को हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। जिंदगी के अलग अलग हिस्से नहीं होते, जिंदगी आपस में गुथी हुई होती है। तो अगर आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना है तो आपको पर्सनली भी उतना ही सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है, तो आप में कुछ काम करने की सच्ची चाहत चाहती है, आपके अंदर इच्छा होती है कि मैं कुछ करूं, परफॉर्म करूं, आपके अंदर की एनर्जी इकट्ठा होती है और फिर आप सच में एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर पाते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हमने कैसे हो बिंदास ज़िंदगी में आपको चार स्टेप्स बताए थे। पहला था टेस्ट योर कोर बिलीफ, अपने कोर बिलीफ को चेक कीजिए। सेकंड था बिलीव इन स्मॉल चेंजेस। थर्ड था नो एवरीथिंग अराउंड यू, अपने आसपास की हर चीज़ को जानते रहिए। और चौथा था इन्वेस्ट व्हाट एवर यू हैव। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट पे, बिलीव इन स्मॉल चेंजेस। आपकी ज़िंदगी कभी भी रातों रात नहीं बदलती। हम कहेंगे कि ज़िंदगी में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता जो साफ साफ दिखे, लेकिन हाँ, ज़िंदगी में चमत्कार हर वक्त हर पल होता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की कदर करेंगे तो आप सचमुच बड़े बन पाएंगे। तो वो छोटे छोटे चेंजेस कौन से हैं, उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। आप उनको समझिए, उस पर विचार कीजिए, थिंक अबाउट दैट। और अगर आपको लगता है तो एक बार अप्लाई करके देखिए, देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या जादू होता है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस 2 महीनों के अंदर आपको एक दूसरा इंसान बना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आप ध्यान से सुनिए और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात है, पहला चेंज, प्यार करना मतलब समय देना। प्यार एक ऐसा ओवररेटेड वर्ड है जो पूरी दुनिया में प्यार 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 लव प्यार लव प्यार सबसे ज़्यादा फैल गया, और आज की तारीख में इसकी समझ सबसे कम होती चली जा रही है। तो प्यार आखिर है क्या, किस चीज़ को हम प्यार कहें? तो पेरेंट्स जब किसी से प्यार करते हैं तो वो अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, खिलौने ला के देते हैं, तरह तरह के साधन ला के देते हैं। हस्बैंड वाइफ से प्यार करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ला के देने की बात करता है, कल की और चीज़ों के इंतज़ाम करने की बात करता है। लेकिन प्यार की एक सिंपल डेफिनेशन है, आप जैसे हो पहले अपने आप को वैसा एक्सेप्ट कर लो, ताकि सामने वाला जैसा है आप उसको वैसा के वैसा एक्सेप्ट कर पाएँ। और जब आप ऐसा एक्सेप्ट कर पाएंगे तो बैठ के साथ में समय दे पाएंगे, शेयरिंग बढ़े आपकी। प्यार करना मतलब समय देना, आप साथ में वक्त गुजारते हैं, वही प्यार है। क्योंकि आप तो अपनी कहानी के, ब्लैक एंड वाइट कहानी के कई किस्से अपने बच्चों को सुनाते चले जाएंगे और अपने आप को हीरो बना देंगे, लेकिन क्या आपने जाना है कभी कि उनकी छोटी सी दुनिया में, उनकी छोटी सी नज़रों से वो दुनिया को कैसे देखते हैं, वो कैसे महसूस करते हैं? वो बातें बड़ी छोटी छोटी हो सकती है और आप कहेंगे कि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस उम्र में आपके लिए भी था, याद कीजिए। तो प्यार करना मतलब समय देना, आप समय दीजिए। और अगर आप किसी से सुन रहे हैं उसकी कहानी, थोड़ा वक्त देके, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं तो आप प्यार कर रहे हैं। तो प्यार करना मतलब समय देना, एक सिंपल सी बात दिमाग में रखिए। अगर पहले बचपन में हम लोग ऐसी बात करते थे कि कोई बीमार है, किसी की डेथ हो गई, तो टीन एज में हमेशा ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि भाई हम क्या कर लेंगे वहाँ जाके, जाने वाला चला गया या बीमार है, तो बीमार है हम, डॉक्टर तो नहीं है। फिर जब हम इस तरह के हालात में हुए और कोई आके खड़ा हुआ, तो महसूस किया हमने कि किसी का पास आके खड़ा होना काफ़ी होता है, किसी के कंधे पे हाथ रखना काफ़ी होता है। वो डर जो उन हालात से पैदा होता है वो किसी के साथ होने से चला जाता है। तो हम फिर से कहेंगे, प्यार करना मतलब समय देना, ये पहला पॉइंट, पहला चेंज, इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ है, बच्चों को 3F पसंद है, फूड फन एंड फाइट, खाना, मस्ती करना और लड़ना। लड़ना आपस में, तकियों से लड़ रहे हैं आप, खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो अपने दोस्तों के साथ करते हैं, अगर वो आपके साथ करने को मिल जाएगा तो आपके साथ भी उनका वैसे ही कनेक्शन हो जाएगा जो उनका अपने दोस्तों के साथ है।
फिर एक चीज़ है हग एंड ह्यूमर, गले लगाओ, हंसो हंसाओ। जहाँ ये मौका मिले दूर मत रहिए। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है, मैंने आप बरसों के बाद अपने पापा को हग किया। अब मम्मी को हग हम करते रहते हैं, लेकिन पापा से पता नहीं किस झिझक की वजह से हम पैर छू के निकल जाते हैं। अचानक मन में आया कि उनको भी तो उस चीज़ की गर्मी, वो उष्मा चाहिए, और हमको भी तो उनसे वो चीज़ चाहिए। तो एक बार हग किया, वो थोड़ा झिझके, और उसके बाद वो सामने आके हमको हग कर रहे थे, और वो जो करीब होना महसूस किया वो अपने आप में न भूलने वाला है। तो हग एंड ह्यूमर वो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत गहराई से, बहुत मजबूती से बांध सकती है। तीसरी चीज़ है अपने शरीर की कद्र कीजिए, अपने आप की कद्र करो। आपके शरीर को क्या चाहिए, एक तो उसको अपनी खूबसूरती का एहसास दिलाइए। तो अपने आप को प्यार से देखना शुरू कीजिए, देखिए आपने क्या क्या खूबियाँ हैं, और फिर उसको निखारने के बारे में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घबराहट के साथ नहीं। आप में कोई अधूरापन नहीं है कि आपको तत्काल बदलना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ये फिनिशिंग हो जाएगा तो मैं और बेहतर लगूंगा। शरीर की कद्र कीजिए, और इसको चाहिए पर्याप्त नींद, अच्छी नींद दीजिए, गहरी नींद। क्योंकि अगर आप गैजेट से अलग हट जाएँ, टीवी से अलग हट जाएँ सोने के दो घंटे पहले, तो आपको एक शानदार नींद आ सकती है, और आपके चेहरे की चमक ही अलग होगी, आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि ये चार्जिंग का टाइम है, जितना आप चार्ज हो जाते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है बहुत अच्छा खाना इसमें डालिए, कचरा मत डालिए। तीसरी चीज़ है कि कपड़े साफ सुथरे पहनिए, लेकिन महंगे कपड़े होना ज़रूरी नहीं है। तो आप कपड़े साफ सुथरे पहन लिए, सस्ते पहन लेंगे चलेगा, कम कीमती पहन लेंगे चलेगा, आप खाना भी कम कीमती खा लेंगे चलेगा, लेकिन अपने दिमाग में जो विचार डाल रहे हैं, जो आपके ब्रेन में जा रहा है, उसमें बिल्कुल भी एक स्तर से नीचे की चीज़ें मत जाने दीजिए, और जाए तो टिकने मत दीजिए। ठीक है, तो आप अपने शरीर की कदर करना सीखिए, अपने शरीर से प्यार कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए। मतलब मैं तो लिटरली यही कहूँगा आपको कि इसको 5 मिनट तसल्ली से कहिए, ऑटो सजेशन से, कि आराम कर रहा है एक एक अंग, फिर आप एक एक अंग का धन्यवाद कीजिए, वो कितना काम कर रहा है, और आप महसूस कीजिए कि आपको कितनी ज़्यादा राहत आ जाती है। ठीक है, फिर चौथा चेंज है टेक बाथ ट्वाइस। तो ये शरीर की कदर से जुड़ी बात है कि आप सुबह एक बार नहाते हैं, एक गुड मॉर्निंग हो जाती है। आप 4 बजे के बाद 5 बजे 6 बजे एक बार और एक बाथ लीजिए, आपको एक और गुड मॉर्निंग मिल जाएगी। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन सीधा सीधा आपके दिमाग को, आपकी पूरी बॉडी को, सारी सेल्स को अफेक्ट करता है। तो आप पूरी तरह रिफ्रेश हो जाते हैं, और फिर से पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। 5वीं चीज़ है खुद को खूबसूरत महसूस कीजिए। खुद को खूबसूरत महसूस करने के लिए आईना देखिए, और अपने आप को खूबसूरत मानते हुए लोगों के साथ मिलिए। अगर उसके लिए आपको थोड़े बहुत ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है तो कर लीजिए, उसमें कोई शर्माने घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमको अपने ज़िंदगी के हर उस पहलू पर ध्यान देना चाहिए जो डायरेक्टली हमको अफेक्ट करता है। अगर कोई छोटी छोटी चीज़ भी हमको अफेक्ट कर रही तो उस पर काम कर लो। जिस चीज़ पर काम करोगे उसका परिणाम आने वाला है। तो अपने आप को खूबसूरत अगर महसूस किया आपने, तो आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, वो खूबसूरती आपकी आंखों में आ जाएगी, और आपकी आंखों से सामने वाले की आंखों में चली जाएगी। तो अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो सारी दुनिया आपसे प्यार करने को तैयार खड़ी। फिर छठा चेंज है, लोग अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, उनके दिमाग में दुनिया भर की बातें आ रही है। मतलब सुबह से उठे, मोबाइल उठा लिया, यहाँ वहाँ 500 लोगों से बात हो रही, बात भी शेलो लेवल की है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप और क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने टीवी चालू कर लिया, टीवी में 25 चैनल बदल के अलग अलग चीज़ें दिमाग में डाल ली, दिमाग बिखर सा जाता है। फिर आप कहीं चले गए और इसके उसके सबके बारे में बात करते रहे, पूरे दिन बाहर देखते रहे, तो अंदर से आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं बचते। तो एक शेर मुझे याद आता है,
अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। मतलब आपके अंदर के बिखराव को समेटने के लिए आपको दिन में 3 बार कम से कम तसल्ली से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना चाहिए और अपने आप को सजेशन दीजिए कि मेरा बॉडी बिल्कुल इनएक्टिव हो गया, रिलैक्स हो गया, फिर सांसों को रिलैक्स कर दीजिए तो आपकी सांसें गहरी हो जाएगी, फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स कर दीजिए तो वो थॉटलेस सा महसूस करेगा, नहीं तो कम से कम थॉट स्ट्रीमलाइन तो हो ही जाएंगे। तो जैसे ही आप आराम में आते हैं वैसे ही आपको दिन का सबसे ज़रूरी काम याद आ जाता है, तो आपका रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप घर में भी यही काम कर सकते हैं कि अगर आपको डर लग रहा है, घर को समेटने लगे, सजाने लगे, जो बिखराव है उसको ख़त्म कीजिए, देखना आपका मूड कितनी जल्दी ठीक होता है। यही चीज़ आप अपने ऑफिस की टेबल के साथ कर सकते हैं, अपने ऑफिस के साथ कर सकते हैं। तो साथ में जब हम लोग काम करते हैं, अकेला काम करते हैं तो काम काम लगता है, और साथ में अगर किसी को ले लिया तो काम एक खेल बन जाता है। तो काम को खेल बनाना सीखिए, डेलीगेट करना सीखिए। डेलीगेट करना मतलब काम के नहीं होने से काम थोड़ा कम हो या थोड़ा गलत हो जाए कुछ दिनों के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दूसरों पर भरोसा करना सीखिए, उसके लिए आपका खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप से पूछ लीजिए जब भी किसी को कोई काम दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती हो जाएगी ना, कब तक होगी। तो जब लोगों के साथ आप जाते हैं और जोखिम लेने को तैयार होते हैं तो आपके सामने आपके साथ में एक टीम तैयार होती है जिसके साथ आप अपने आंसू और हंसी बांटते हैं, और जिसके साथ आपने अपने आंसू और हंसी बांटी है उसके साथ आपका रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। फिर सातवां चेंज है, परिवार को खुद तराशिए। अपने परिवार को खुद तराशिए मीन्स आज लोग पैसा कमाने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए भाग रहे हैं और भागते भागते उनके पास वक्त नहीं होता, तो वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए या उसको पढ़ाने के लिए किसी और की मदद लेते हैं। यहाँ तक मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ कि लोग जाके जिम में बेकार में खाली पसीना बहा रहे हैं, उसके बजाय अगर वो किसी का कोई काम कर दे तो पसीना भी निकल आएगा और उसका कुछ वर्थ भी निकल आएगा। लोगों के पास अपने बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं है, वो वक्त वो हो सकता है किसी कुत्ते को घुमाने के लिए निकाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस कीजिए। आपको ये ज़रूर देखना है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो हम पहले करें। तो शेयरिंग करना सीखें अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जुड़े लोगों के साथ अगर आप शेयरिंग करते हैं तो अगर आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, भरोसा बढ़ता है। भरोसा बढ़ने से एक अलग ही तरह का लुब्रिकेशन घर में हो जाता है, कोई फ्रिक्शन जो आसपास है वो सब खत्म हो जाता है, वो सन्नाटा खत्म हो जाता है और हम हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं। नहीं तो आजकल सूडो कॉन्टेक्ट काम कर रहा है कि लोग एक ही रूम में बैठे और 15 घंटे तक साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं लेकिन एक दूसरे के भीतर क्या चल रहा है उसकी खबर नहीं। धीरे धीरे हम साथ रहते हुए दूर होते जा रहे हैं और ये बड़े खतरनाक स्थिति बन सकती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने एंटरटेनमेंट को बिल्कुल ताक पर रख दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इतना सा ख्याल रहे कि मैं अपने परिवार को तराशने में अपना इन्वॉल्वमेंट रखूँगा। अगर मैं किसी की सर्विसेज भी ले रहा हूँ तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट भी रहे कि मुझे क्या सर्विसेज, किस लेवल की सर्विसेज चाहिए, क्या हो रहा है, इस बात की खबर रहे। 8वां पॉइंट है, लव लेटर्स लिखिए। आपको अच्छे से पता होगा ना कि जब हम टेंशन में होते हैं या किसी के साथ में हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, तो उसके बारे में आप कितना सोचते हैं। जिसके साथ हमारा टेंशन होता है उसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक लॉस मेकिंग है और समझ में नहीं आ रहा उसमें आप सबसे ज़्यादा ट्रेड डालेंगे। वही चीज़ हम कर रहे हैं कि जिसके साथ आपकी बनती नहीं है आप उसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि उसने आपको कोई कड़वी बात बोल दी है जो महीनों तक आपके भीतर गूंज रही है। और ये कड़वी बातें हम डर की वजह से, घबराहट की वजह से अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बोलते रहते हैं। लगातार हम
बंदूक लेके उनके पीछे पड़े रहते हैं कि ये और सुधारो, ये और सुधारो। और तारीफ के वक्त हम सोचते हैं कि हो सकता है ये बोलने से ये आदमी थोड़ा लापरवाह हो जाए, तो तारीफ को हम थोड़ा कम कर लेते हैं और जो हिदायतें हैं वो बढ़ा देते हैं। तो हिदायतें इतनी बढ़ा देते हैं धीरे धीरे उनके दिमाग में वो कड़वी बातें घूमने लग जाती है। तो मैं आपसे कहता हूँ लव लेटर्स लिखिए, मतलब ऐसा लव नोट दीजिए, ऐसी प्यारी बातें बोलिए कि जो उनके दिमाग में गूंजती रहे, वो पॉजिटिविटी उनको दिन भर और नया काम करने की ऊर्जा देती है। आप देखिए किस तरीके का जादुई असर करती है। मदर टेरेसा ने कहा था कि एक काइंड वर्ड की गूंज बहुत दिनों तक आदमी के जहन में रहती है। तो आपका काम है पहले तो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ कि ये बात बोलना मुश्किल होती है, क्योंकि कई बार हमारे आसपास के बच्चे फैमिली वाले बहुत पकाऊ हरकतें करते हैं। तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आप बार बार ये मत कहिए कि आप पूरे हो अच्छे बन जाओ। आप उनसे ये कह सकते हैं कि 100 में से ये 2 बातें अच्छी है और अच्छे बनिए। तो फोकस कहाँ करेंगे, अच्छे हो और अच्छे बनो, पूरे हो अच्छे बनो ये कहेंगे तो धीरे धीरे आप पे भरोसा करना कम कर देंगे, आपके करीब आना छोड़ देंगे। तो लव लेटर्स लिखिए, सबकी जीत में अपनी जीत है। अगर आप अपनी ही जीत को लेके खुश हैं तो फिर बाकी सबकी जीत आपको टेंशन देगी, और अगर सबकी जीत आपकी जीत बन गई तो दिन भर जीत की कई कहानियां फैली हुई है, हर तरफ विनिंग चल रही है, कोई कुछ जीत रहा है, कोई कुछ जीत रहा है, सबके साथ खुश हो जाइए और हर जगह आप ही आगे खड़े रहिए, ज़रूरी तो नहीं फिर किसी की बात पूरी तरह सुनना बहुत बड़ी बात है। तो लव लेटर्स लिखना और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स जब मिलेंगे उसको सुनना है, उनके अपने बारे में जो बात हो वो सुननी है। 8वां चेंज है म्यूज़िक एंड डांस, अपनी लाइफ में म्यूज़िक एंड डांस को शामिल कीजिए, लेकिन लत नहीं होनी चाहिए। तो म्यूज़िक एंड डांस, काम किया 2 घंटे, फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग म्यूज़िक सुन सकते हैं। सुबह का अपना मूड है जिस पे डांस कर रहे हैं आप रॉकिंग, दोपहर का अपना मूड है जो आपकी डलनेस को ख़त्म कर रहा है एक्टिव म्यूज़िक, शाम को अपना मूड है, रात को सूदिंग म्यूज़िक है जो आपको नींद लेने में मदद कर रहा है, क्लासिकल हो सकता है, गजल्स हो सकती है। तो हर तरह के म्यूज़िक का टेस्ट डेवलप करेंगे। 9th चेंज है स्पर्श में जादू होता है, टच हैज अ मैजिक। तो टच का अपना एक मैजिक होता है, पहले के ज़माने में हमेशा से टच चला आ रहा है, हाथ मिलाते थे, पेड़ दबाते थे, गले मिलते थे। तो टच अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है, टच से परहेज मत कीजिए। टच हमेशा वो रोमांस वाला टच ही नहीं होता है, फैमिली में हर एक रिश्ते में अलग अलग तरह के टच हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल करो। जब कोई इंसान बहुत दुखी हो और उसके कंधे पे आप हाथ रखते हैं तो वो टच 1000 शब्दों से ज़्यादा काम करता है। और 10वां चेंज है 10% एक्स्ट्रा करें। विनर और लूजर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। आपने अगर 90 फीट तक किसी गड्ढे को खोदा है, किसी कुएं को खोदा है, आपके हाथ में धूल आएगी, और किसी ने 10% एक्स्ट्रा कर दिया और 100 फीट खोद दिया तो वहाँ पानी निकल सकता है। तो जो फ़र्क है वो सिर्फ एक्स्ट्रा 10% का है। कई बार लोग इस तरीके से काम करते हैं कि अंदर से अपने आप को ये कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। ऑफिसेज में ऐसा होता है, बिजनेसेस में ऐसा होता है, फैमिली के लिए ऐसा होता है, रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि ये मेरा काम थोड़ी मैं क्यों करूँ, जबकि आपको 10% एक्स्ट्रा के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर दूसरे का काम करने को मिल रहा है तो दूसरे के रोल में एक नई ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है, नया तजुर्बा मेरा होगा। तो 10% एक्स्ट्रा के लिए हमेशा तैयार रहिए। वो 10% एक्स्ट्रा ही आपको 100 लोगों से आगे खड़ा कर देता है। तो वो 10% एक्स्ट्रा आपका अपने आप में एक सेल्फ एस्टीम तैयार करता है, ताकि आप अपने आप को सबसे बेहतर महसूस कर सकें। तो हमेशा सिकुड़ के कम काम करने के बजाय और बेहतर क्या हो सकता है, मेरा अपना पर्सनल एक क्या एलिमेंट मैं ऐड कर सकता हूँ किसी काम में, उस पर ध्यान दीजिए। वो चीज़ ज़िंदगी को बना देगा। तो चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, 10% एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार रहिए। ये 10 चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान से सुनिए, इनको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और देखिए क्या जादू आपकी ज़िंदगी में होता है। धीरे धीरे आप बदलेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन 2 महीने बाद आपके साथी आपसे कह सकते हैं कि आप पूरी तरह एक नए इंसान बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।